हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर आज हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है डेंसिटी, और डेंसिटी की जो हम अलग अलग डेंसिटीज़ पढ़ते हैं, डिफरेंट डेंसिटीज़ पढ़ते हैं, रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वो सब कुछ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मतलब डेंसिटी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं हम वो आज से भी डिस्कस करने जा रहे हैं। ये है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट, जो कि मैंने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट किया है आपको मैंने बताया था, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बेसिक कंसेप्ट जितने भी हैं जो एक एवरेज से ज़्यादा बड़े स्टूडेंट को पता होने चाहिए, मतलब एक एवरेज स्टूडेंट को नहीं, उससे ऊपर वाला एक स्टूडेंट ले लें, उसे जिन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए वो सभी हम इस प्लेलिस्ट में डिस्कस करेंगे। कई सारे वीडियोज़ हैं उस प्लेलिस्ट में, आप देख भी सकते हो। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो, पहले डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी एक्चुअली में है क्या, आपको फील आना चाहिए कि डेंसिटी क्या है, तभी मज़ा आएगा। यहाँ पर डेंसिटी एक्चुअली में होता क्या, देखो ये आपको बताता है कि किसी पर्टिकुलर गिवन वॉल्यूम में कितने फ्लूड्स हैं, कितने मॉलिक्यूल हैं फ्लूड के। अगर हम एग्जांपल लेके चलें, मान के चलो कि हमारे पास ये दो कंटेनर हैं, एक कंटेनर हमारे पास ये है, दूसरा कंटेनर हमारे पास ये है, ठीक है, दोनों के वॉल्यूम सेम है। तो हमें डेंसिटी से क्या पता लगता है कि किसी पर्टिकुलर गिवन वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं फ्लूड के, वो हमें बताता है डेंसिटी। एग्जांपल के तौर पर जैसे मान के चलो दोनों के वॉल्यूम सेम है, दोनों कंटेनर के वॉल्यूम सेम है, इसमें जो फ्लूड के मॉलिक्यूल हैं, फ्लूड कुछ भी हो सकता है, एयर भी ले सकते हो आप, यहाँ पे लिक्विड भी ले सकते हो, हम मान के चलो लिक्विड लेके चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मान के चलो कि इस कंटेनर में लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स थे वो चार मॉलिक्यूल्स हैं या पांच मॉलिक्यूल्स हैं, फाइव मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर लिक्विड के इस कंटेनर में। इस कंटेनर की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, इस कंटेनर में 9 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास लिक्विड के। तो आप मुझे बताओ डेंसिटी किसकी ज़्यादा हुई, डेंसिटी उसी की ज़्यादा होगी जब सेम वॉल्यूम में जिसके ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, इसकी भी सेम वॉल्यूम थी, इसकी भी सेम वॉल्यूम है, इसमें मॉलिक्यूल्स कम है लिक्विड के, इसमें लिक्विड के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, तो डेंसिटी इसकी ज़्यादा हुई। कहने का मतलब ये है कि डेंसिटी हमें ये बताता है कि इसकी भी कुछ ना कुछ डेंसिटी है, इसकी भी कुछ ना कुछ डेंसिटी है, दोनों में से ज़्यादा डेंसिटी किसकी है, जिसमें मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, तो यहाँ की भी कुछ ना कुछ डेंसिटी हो गई, यहाँ की भी कुछ ना कुछ डेंसिटी हो गई। तो आपको समझ आ गया डेंसिटी हमें बता रहा क्या है कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं पर्टिकुलर वॉल्यूम में, कितने मॉलिक्यूल्स हैं पर्टिकुलर वॉल्यूम में, जिसके पर्टिकुलर वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स ज़्यादा उसकी डेंसिटी ज़्यादा। अब अगर मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स सबको क्या पता लग रहा है, जैसे इसमें मॉलिक्यूल्स कम है, इसमें मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मास भी ज़्यादा हुआ। मॉलिक्यूल्स को मास से रिलेट कर सकते हो, जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उतना मास होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं डेंसिटी को कि डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे हम पहले क्या कह रहे थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए गिवन यूनिट वॉल्यूम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए गिवन वॉल्यूम, अब हम क्या कह सकते हैं, मॉलिक्यूल्स को मास से रिलेट कर सकते हैं, मॉलिक्यूल जितने होंगे उतना मास होगा। तो हम कह सकते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा, और आगे चलते हैं और डिटेल में आपको सब कुछ समझ आता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम जो डेंसिटी अभी पढ़ रहे हैं, इसका अगर हमें बात करें तो रो से हम डिनोट करते हैं, इस तरह से हम रो से इसे डिनोट करते हैं, तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। इतना क्लियर हो गया आपको, क्यों, क्योंकि कितना मास था पर यूनिट वॉल्यूम में, अभी हमने देखा कि कितना मास था पर यूनिट वॉल्यूम में, उसी को हमने डेंसिटी कह दिया। और यही रीज़न है कि इस डेंसिटी को हम सिर्फ डेंसिटी नहीं, इस डेंसिटी को अब मास डेंसिटी भी कहा जाता है, आप मास डेंसिटी भी सुनते हो। तो यहाँ के डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, इतना आपको क्लियर हो गया। तो यानी कि जिसका मास ज़्यादा है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। एक्चुअली हम ये क्या बता रहे हैं डेंसिटी की, कोई चीज़ कितनी भारी है, एग्जाम्पल के तौर पर हम चलेंगे समझ आ जाएगा आपको। इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं, ऐसा यूनिट की मास के सही यूनिट क्या है, केजी किलोग्राम, और वॉल्यूम की क्या है, मीटर क्यूब। यानी कि डेंसिटी की ऐसा यूनिट हमारे पास क्या हो जाएगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इतना भी आपको समझ आ गया होगा, हम कुछ डेंसिटी लेकर चलते हैं जिससे आपको इसका एक्चुअल में मीनिंग समझ आएगा कि डेंसिटी है क्या। यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें वाटर की डेंसिटी की, हमारे पास जो वाटर रहता है उसकी डेंसिटी कितनी होती है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इतना आपको समझ आ गया, यानी कि 1 मीटर क्यूब का, 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम का आपको क्यूब ही लेके चलो, ठीक है। ऐसा आप चीज़ ले लो, कंटेनर ले लो जिसका 1 मीटर क्यूब का एरिया है, वॉल्यूम है, उसमें अगर आप लिक्विड डालना स्टार्ट कर दोगे तो वो कितना आएगा,
1000 kg आएगा आपको यहाँ से, ये पता लग रहा है। आप एक क्यूब लो जिसकी लेंथ फिट हाइट 1 मीटर है, यानी कि 1 मीटर क्यूब पर होगा आपके पास वॉल्यूम। उस पर अगर आप लिक्विड फिल करना स्टार्ट करोगे वो 1000 kg तक आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से मैं डेंसिटी ऑफ एयर की बात करूँ, एयर की डेंसिटी की बात करूँ तो वो हमारे पास होती है 1.225 kg/m³। यानी कि सेम आप वही कंटेनर लो 1 मीटर क्यूब वाला, उसमें आप एयर फिल करना स्टार्ट कर दो तो सिर्फ 1.225 kg एयर ही आप फिल कर पाओगे। यानी कि हमें पता लग रहा है इस डेंसिटी की हेल्प से कौन सी चीज़ कितनी भारी है, कौन सी चीज़ ज़्यादा भारी है। यहाँ से हमें पता लगा एयर की डेंसिटी कम थी यानी कि वो हल्की है, वो लाइट वेट है थोड़ा। वाटर की बात करें उसको 1000 kg/m³, यानी कि वो कितना हैवी है एयर के कंपैरिजन में। तो हमें पता लग रहा है डेंसिटी से कि कोई चीज़ कितनी भारी है, कोई चीज़ कितनी हल्की है। आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम मैं बात करूँगा डेंसिटी ऑफ वाटर की, तो ये मैंने 1000 kg/m³ आपको क्यूब बताया, ये 4 डिग्री सेल्सियस में है, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस में। वैसे मैं डेंसिटी बता रहा हूँ एयर की तो ये 15 डिग्री सेल्सियस में है। एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है जहाँ पे आपको बताया गया कि पर्टिकुलर हम हमेशा लेते हैं कि डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg/m³, बट वो भी फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस पे ये आपके पास डेंसिटी रहती है, ठीक है। अगर हम ये तो सिंपल वाटर था, फ्रेश वाटर था, फ्रेश वाटर की डेंसिटी है। अगर हम यहाँ पे साल्ट वाटर लें, ठीक है, साल्ट वाटर लें तो उसकी डेंसिटी हो जाएगी 1030 kg/m³, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा, यानी कि जो सॉल्ट वाटर है वो फ्रेश वाटर से थोड़ा हैवियर रहता है, थोड़ा भारी रहता है। क्यों? उसकी डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा है। सेम आप 1 मीटर क्यूब कंटेनर लो, उसमें 1030 kg तक वाटर आ जाएगा, यानी कि वो ये जो सॉल्ट वाटर था ये इससे भी हैवी रहा। ये भी आपको समझ आ गया होगा। उसी तरह से अगर हम मरकरी की बात करें, मरकरी की डेंसिटी की बात करें तो 13600 kg/m³। यानी कि फिर से आप 1 मीटर क्यूब वाला कंटेनर ले लो, उसमें 13600 kg तक मरकरी आ जाएगा। वाटर कितना आता है 1000 और मरकरी कितना था 13600, यानी कि मरकरी और ज़्यादा हैवियर हो गया क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। ये आपको डेंसिटी का कंसेप्ट थोड़ा समझ आ गया होगा। अब एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ आपको, यहाँ पे देखो। हाँ, अब आप मुझे बताओ कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ गैसेस, सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होगी, ये मुझे आप बताओ। देखो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड्स की, फिर गैसेस की। मतलब सबसे ज़्यादा डेंसिटी सॉलिड्स की होगी, उनसे कम लिक्विड की, उनसे कम गैसेस की होगी। सॉलिड्स की क्यों? क्योंकि आपको पता है आप एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ले लो, उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड रहते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल ज़्यादा हो गए यानी कि डेंसिटी ज़्यादा होगी। सेम हम लिक्विड की बात करें तो उसके मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी और कम होगी। गैसेस में और ज़्यादा दूर रहते हैं तो उनकी डेंसिटी और कम हो जाएगी। सबसे ज़्यादा डेंसिटी सॉलिड की, फिर लिक्विड की, फिर गैसेस की, तो आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे इस मास डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं सब कुछ अभी तक, बाकी डेंसिटीज़ की हम तरफ हम नहीं गए अभी, ठीक है। अब यहाँ पे वेरिएशन के बारे में पूछा जाता है आपसे कि बताओ कि डेंसिटी में क्या वेरिएशन होते हैं। देखो सॉलिड्स में और लिक्विड्स में भी वेरिएशन होते हैं डेंसिटी में, लेकिन वो माइन्यूट से होते हैं, छोटे से होते हैं, जिसके कारण हम उनको नेगलेक्ट कर देते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि सॉलिड्स और लिक्विड्स में, लिक्विड्स की डेंसिटी में वेरिएशन होता ही नहीं है, होता है एक्चुअल में बिल्कुल कम होता है, हम उसको नेगलेक्ट करके चलते हैं। तो हम इसलिए यही पढ़ते हैं कि डेंसिटी जो है वो गैसेस की डेंसिटी के बारे में पढ़ते हैं कि गैसेस की डेंसिटी में चेंजेस होते हैं। देखो यहाँ पे कैसे चेंज होंगे, मान के चलो कि आपने गैस का प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ाने से क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया? प्रेशर के चेंज होने से भी डेंसिटी में चेंज आता है, आपको बता रहा हूँ कैसे। गैस की डेंसिटी की बात करो, डेंसिटी हमने पढ़ा मास पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है, अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो डेंसिटी कम हो जाएगी, इनवर्स रिलेशनशिप है। या फिर ऐसे कह लो कि वॉल्यूम कम होगी तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पे क्या हो रहा था, वॉल्यूम कम हो रही थी, अगर ये चीज़ कम होगी तो ये चीज़ तो बढ़ जाएगी, यानी कि डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो प्रेशर को बढ़ाने से डेंसिटी भी बढ़ गई, आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी ना। प्रेशर बढ़ा उसके कारण वॉल्यूम कम होगी, वॉल्यूम कम हुई तो डेंसिटी बढ़ गई। तो इस तरह से गैसेस की हम बात करते हैं कि गैसेस में हाँ डेंसिटी में चेंजेस आते रहते हैं या आ जाते हैं, सॉलिड्स और लिक्विड में हम नेगलेक्ट कर लेते हैं, मान के चलते हैं कि उनमें चेंजेस आते ही नहीं हैं। ये हो गया हमारे पास सिंपल जो डेंसिटी था, जैसे मास डेंसिटी भी कहते हैं उसके बारे में। कभी कभी आप किलोग्राम पर मीटर क्यूब की जगह ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब देखोगे, वो अलग चीज़ें हैं, वो सिंपल ये यूनिट्स कन्वर्जन है, उस पर ध्यान देने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये तो हो गया हमारे पास। अब हम आगे चल लेते हैं, यहाँ पे एक और आता है हमारे पास जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिक वेट, जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिक वेट
या फिर वेट डेंसिटी। ठीक है, जैसे अभी हमने जो डेंसिटी पढ़ा था वो क्या था, वो हमने पढ़ा मास डेंसिटी, वैसे ही एक वेट डेंसिटी होता है जिसे हम स्पेसिफिक वेट भी कहते हैं। इतना क्लियर हो गया? तो ये जो स्पेसिफिक डेंसिटी है या स्पेसिफिक वेट है, इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसको कैसे, इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है इस सिंबल से। ठीक है, तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डेंसिटी क्या था, मास पर यूनिट वॉल्यूम, स्पेसिफिक वेट जिसे वेट डेंसिटी भी कहते हैं वो क्या हो जाएगा, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? एक सेकंड में देख लो, आपको दिख रहा है यहाँ पर? हाँ ठीक है, दिख रहा है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, वेट पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा आपके पास। अब यहाँ पर एक चीज़ बताओ, वहाँ पर यूनिट क्या थी, स्पेसिफिक जो सिंपल डेंसिटी या फिर मास डेंसिटी था उसकी यूनिट थी हमारे पास किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी, ऊपर वेट है, वेट के साथ यूनिट न्यूटन, और नीचे वॉल्यूम है मीटर क्यूब, यानी कि इसकी क्या साथ यूनिट हमारे पास हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर क्यूब। इतना आपको समझ आ गया, इसके साथ यूनिट उसके साथ यूनिट दोनों समझ आ गए होंगे। अब ये वेट पर यूनिट वॉल्यूम है, इसका और इसका कंपैरिजन कर लेते हैं, हम एक रिलेशनशिप बनाते हैं, स्पेसिफिक वेट या फिर वेट डेंसिटी और मास डेंसिटी में एक छोटा सा हम रिलेशनशिप बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखो वेट है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एम इंटू जी भी लिख सकते हैं वेट को। ठीक है, वॉल्यूम को हम वैसे का वैसे वी लिख देते हैं। इतना क्लियर हो गया? अब हम क्या कर लेते हैं, इस डब्ल्यू को वैसे का वैसे रखा, ये एम डिवाइड बाई वी क्या था, मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या था हमारे पास, डेंसिटी ही तो था, तो इसकी जगह मैं रो लिख देता हूँ, यानी कि मास डेंसिटी इंटू जी। आपको रिलेशनशिप मिल गया यहाँ पे, स्पेसिफिक वेट और जो डेंसिटी था हमारे पास, यानी कि वेट डेंसिटी और मास डेंसिटी में आपको रिलेशनशिप पता लग गया। एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें कि वाटर की, अगर हम बात करें या हम मान के चलो मरकरी की बात कर लेते हैं, मरकरी की कितनी हो जाएगी, मरकरी का जो स्पेसिफिक वेट है या वेट डेंसिटी कितना होगा, तो हमें पता है डब्ल्यू इक्वल्स रो इंटू जी, रो हमारे पास कितना है 13600, ठीक है, इंटू जी की वैल्यू 9.81। तो इसको सॉल्व करोगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वही आपके पास स्पेसिफिक वेट हो जाएगा मरकरी का। या हम वाटर की बात कर लें तो 1000 × 9.81 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 9810 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, किलोग्राम न्यूटन पर मीटर क्यूब, 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब आ जाएगा स्पेसिफिक वेट। ठीक है, ये भी आपके पास हो गया। अब हम आगे चल लेते हैं, ये हो गया डेंसिटी भी हो गया, स्पेसिफिक वेट भी हो गया, या इसको हम वेट डेंसिटी कहते थे वो भी हो गया। अब हम लास्ट चल लेते हैं यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी की तरफ, कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इनकी यूनिट्स वगैरह सब कुछ क्लियर कर दिया, दोनों में रिलेशनशिप भी बता दिया है। अब हम बात कर लेते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की। ठीक है, अभी तक हमने डेंसिटी या मास डेंसिटी पढ़ा, वेट डेंसिटी पढ़ा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को कभी कभी आपने नाम सुना होगा रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल लो या रिलेटिव डेंसिटी बोलो, इसका मतलब क्या है ये समझो। देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी का मतलब है, इसमें हम क्या करते हैं, एक्चुअली में रिलेटिव आ गया ना टर्म, तो हमें कंपैरिजन करते हैं, हम किसी भी फ्लूड को कंपैरिजन करेंगे किसी स्टैंडर्ड फ्लूड से। एग्जांपल के तौर पर हम लिक्विड्स की बात कर लेते हैं, जब हम बात करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी की लिक्विड्स की, तो हम क्या करेंगे, इसे हम ऐसे नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान के चलो हम किसी लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो उसका हम क्या करेंगे, कोई भी लिक्विड है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड, हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा, स्टैंडर्ड हमारे पास रहेगा वाटर, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर हम लिक्विड्स की बात करें, उसका कंपैरिजन हम हमेशा किससे करेंगे, वाटर को स्टैंडर्ड मान के चलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम मान के चलो मरकरी का निकालते हैं, मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बताएंगे तो वो क्या आ जाएगा, 13600, क्योंकि मरकरी की डेंसिटी हमारे पास ये है, किससे कंपैरिजन करेंगे हम, वाटर से कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13.6, यानी कि मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी रिलेटिव डेंसिटी हमारे पास कितनी आ गई, 13.6। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि कभी भी स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर 1 से ज़्यादा आ जाती है, जैसे यहाँ पे 13.6 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जिस फ्लूड की जिस लिक्विड की हम बात कर रहे थे वो हैवियर है वाटर से, वाटर पानी से वो ज़्यादा भारी है। आपको समझ आ रहा होगा यहाँ पे 13.6 आ गया। ठीक है,
13.6 आया है, 1 से ज़्यादा है, यानी कि ये जो हमारे पास फ्लूड्स की बात करते हैं लिक्विड, वो पानी से भारी है। आपको दिख भी रहा है 13,600 है ना, तो पानी से ज़्यादा भारी है, तभी तो 13.6 आंसर आया, क्योंकि इसकी 1000 किलोग्राम है, इसकी 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो यहाँ से समझ आ रहा होगा कि 1 से ज़्यादा, जब भी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपके पास 1 से ज़्यादा होगा, इसका मतलब वो लिक्विड हमारे पास वाटर से ज़्यादा हैवियर है। यहाँ पर अगर किसी लिक्विड की मैं बात करूँ, अगर उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 के बराबर आ जाती है, यानी कि 1 के बराबर आ गई, इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसका जो वेट है वो वाटर के वेट के बराबर है, वो पानी के बराबर जितना भारी है। अगर उसी तरह से किसी स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी लिक्विड की 1 से कम आती है, ठीक है, 1 से कम आ जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो 0.345 इस तरह से कुछ आ जाती है, इसका मतलब ये कि वो जो फ्लूड था, वो जो लिक्विड था, वो पानी से थोड़ा लाइट वेट है, उसे पानी से थोड़ा हल्का है, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा, ये तो था लिक्विड के केस में, ये थी स्पेसिफिक ग्रेविटी रिलेटिव डेंसिटी लिक्विड के केस में। वैसे ही अगर हम गैसेस के केस में बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ गैसेस, जो भी पर्टिकुलर गैस की हम बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ एयर। यहाँ पे स्टैंडर्ड हमारे पास एयर आ जाएगा, और एयर की डेंसिटी आपको पता क्या लेनी है, 1.225 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो फिर से यहाँ पर वही केस हो जाएगा कि अगर डेंसिटी 1 से ज़्यादा आ जाए, तो इसका मतलब कि वो जो हमारे पास ये गैस है वो लिक्विड से, जो सॉरी एयर से ज़्यादा हैवी है। अगर 1 से कम आएगा तो एयर से थोड़ी लाइटर है, 1 के बराबर है, तो यानी कि उसकी जो डेंसिटी है वो एयर के बराबर ही है। तो ये थे कंसेप्ट डेंसिटी वाले कि डेंसिटी क्या है, फिर मैंने आपको बताया कि मास डेंसिटी बताया, फिर आपको वेट डेंसिटी बताया, और अब आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी के बारे में बता दिया है। किसी भी तरह का डाउट है इस टॉपिक में, आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हो, उस टॉपिक पर भी आपको जल्दी ही वीडियो मिल जाएंगी। और बाकी जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्लेलिस्ट है बेसिकली, वो आप देखते रहिए, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स आपके काम के हैं, मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही आपको समझा रहा हूँ, वही आपको पढ़ा रहा हूँ।